है दोस्तों, माय नेम इज विशाल बघेल। मैं आज आपको मैथ का वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका कम से कम एक या दो नंबर का क्वेश्चन हर एक चैप्टर में आता ही आता है, चाहे वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन के थ्रू आए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ अपने चैप्टर की। मात्र 10 मिनट का चैप्टर होगा, वो कम से कम आपको दो नंबर देके जाएगा हर एक एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, फोकस कीजिए मेरे साथ। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, और इतनी आसानी से करेंगे हम लोग कि आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कोई मैजिक है। यस दोस्तों, मैजिक ही समझिए। जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया 27, मुझे 27 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो 27 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर जो भी नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सबका मल्टीप्लाई, यानी 2 × 7 × 2, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 28 को मुझे यहाँ ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना है कि ये लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ना है, उसको छोड़ने के बाद आगे वाले डिजिट में इसको ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं सिंपली हम 927, तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, 43 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको हम 09 लिख लेते हैं दोस्तों। 4 का स्क्वायर होता है 60। अब मुझे क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, 4 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, अब यहाँ पर जो भी नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन तीनों का मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 को मैं यहाँ सिंपली ऐड कर दूंगा, तो 9481, ये मेरा 43 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मुझे 49 का स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या बताया, वही 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब मैंने क्या बताया, जो भी नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सबका मैं क्या कर लूं, मल्टीप्लाई, तो 4 × 36, 36 × 2 = 72, और 72 को इसमें ऐड कर दूंगा मैं 1042, तो 2401। क्लियर है दोस्तों? और कोई भी नंबर ले लीजिए दोस्तों। जैसे अगला नंबर मैंने ले लिया 69 का स्क्वायर करना है मुझे, तो मुझे सिंपली क्या करना है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पर जो भी नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सबका मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6 × 54 और 54 × 2 = 108। क्या करना है दोस्तों, इस एक डिजिट को छोड़ के आगे वाले सभी डिजिट में इस नंबर को ऐड कर देंगे, तो ये 1674, यानी 4761। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मुझे 83 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले मुझे 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 09, 8 का स्क्वायर 64। अब मुझे जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबर्स का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48। 48 को मुझे क्या करना है, इस एक डिजिट को छोड़ के आगे वाले दो डिजिट में ऐड कर देना है, तो 9886, ये दोस्तों 83 का स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और कोई भी नंबर ले लीजिएगा दोस्तों, 1 से लेके 100 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे अगला नंबर मैंने ले लिया 97, मुझे 97 का स्क्वायर करना है, तो मुझे क्या करना है, 7 का स्क्वायर लिखना है सिंपली, कितना होता है 49, 9 का स्क्वायर लिखना है कितना होता है
81। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, जो भी नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सभी नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 9 7 63 और 63 दोने 126, सिंपली ऐड कर देते हैं इनको हम, तो 9409, यस 97 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यस दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया होगा। इस ट्रिक से दोस्तों आप 1 से लेके 100 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रिक भी आपको बताना चाहूंगा मैं। हंड्रेड के नजदीक आने वाले संख्या के वर्ग, इनको हम एक और ट्रिक से निकाल सकते हैं। ये 1 से लेके 100 तक जो मैंने अभी ट्रिक बताई उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं उस ट्रिक को हम 100 के नजदीक वाली नंबर्स में ही यूज कर सकते हैं, हर एक नंबर पे यूज नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि 100 के नजदीक कौन कौन से नंबर आते हैं, 98 है, 96 है, 94 है, 91 है, 105 है, 108 है, 113 है, 109 है। ये सभी नंबर अप्रोक्सीमेट 100 है, यानी 100 के नजदीक है। तो इन नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वही दोस्तों हम सीखने वाले हैं। तो मुझे 98 का स्क्वायर करना है दोस्तों, मुझे देखना ये होगा कि ये जो 98 है वो 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है दोस्तों, 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4। तो मुझे क्या लिखना है, 0 4। स्क्वायर में हमेशा डबल डिजिट लेना है। अब ये नंबर जो 98 है वो 100 से 2 कम है, 2 कम है, इसमें 2 और माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 96। ये हो गया दोस्तों आपको 98 का स्क्वायर हो गया। यस दोस्तों, ये 98 का स्क्वायर है। अगला नंबर फिर से देख लीजिए, 96 का स्क्वायर निकालना है मुझे। मुझे देखना है कि ये जो नंबर है 96 वो 100 से कितना कम है, तो 4 कम है दोस्तों, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि 16। तो मैंने 16 लिख दिया इधर। अब ये नंबर 100 से 4 कम है, मुझे इसमें से 4 और माइनस कर देना है, कितना बचेगा, 92। तो ये 92 16, यानी 9216, ये 96 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। जैसे कि अगला नंबर है मेरे सामने 94 का स्क्वायर मुझे करना है। तो मुझे देखना है दोस्तों कि ये नंबर 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, 6 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मुझे अब लिख देना है 36 लिख देना है। अब क्योंकि ये नंबर 100 से 6 कम है, मुझे इसमें से 6 और माइनस कर देना है दोस्तों, और 94 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। तो 8836, ये 94 का स्क्वायर होगा दोस्तों। अगले नंबर मेरे पास है 91, मुझे 91 का स्क्वायर करना है। तो मुझे देखना है दोस्तों कि ये जो 91 है वो 100 से कितना कम है, ये 9 कम है, 9 कम है, तो मुझे 9 का स्क्वायर पीछे लिख देना है सिंपली 81। अब ये 9 कम है, मुझे 9 ही और कम कर देना है इसमें से, और 91 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 82 बचेगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक, हमें क्या करना था सिंपली, ये नंबर 100 से जितनी कम है उसका स्क्वायर पीछे लिखना है, और जितनी कम है उतना ही इस संख्या में से हमें माइनस करना है दोस्तों। क्लियर है, जैसे कि 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, मैंने 4 का स्क्वायर पीछे लिख दिया और 4 ही 96 में से माइनस करके आगे लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। अब हम सीखने वाले हैं 100 से ऊपर की संख्या, ये भी तो 100 के नजदीक है लेकिन ये 100 से ज्यादा है। तो देखना ये है दोस्तों कि ये 100 से कितनी ज्यादा है, तो ये 100 से 5 ज्यादा है, तो मुझे 5 का स्क्वायर सीधे सीधे पीछे लिख देना है। अब ये 100 से 5 ज्यादा है, कम है तो घटाते थे, ये ज्यादा है तो इसमें 5 क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे दोस्तों।
तो 110 हो जाएगा, ये 105 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 108 का मुझे स्क्वायर निकालना है, मुझे देखना है कि ये 108 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप सिंपली कह सकते हो कि 64 होता है सर, 64 लिख दिया मैंने। अब मैंने देखा कि 108 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो 8 और जोड़ दिए इसमें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 116 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 113 का स्क्वायर करना है दोस्तों मुझे, मुझे देखना है कि ये नंबर 100 से कितनी ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है, 100 से 13 ज्यादा है दोस्तों, तो मुझे 13 का स्क्वायर कर देना है, जो होता है 169 होता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मुझे स्क्वायर में केवल कितने डिजिट लेने हैं, दो ही डिजिट लेने हैं, तो मैं केवल दो ही डिजिट लूंगा, यानी कि 69 लूंगा। अब आप कहोगे ये 1 कहां जाएगा सर, तो ये 1 को हम कैरी बना देंगे, क्या बना देंगे, कैरी, यानी आगे ऐड कर देंगे। अब ये 113 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो सिंपली इसमें 13 और जोड़ देंगे, तो ये 126 हो जाएगा, 126 और 1 हासिल में, तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 109 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 109 जो है दोस्तों वो 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है, कितना होता है, 81 लिख दिया मैंने। अब क्योंकि ये 100 से 9 ज्यादा है, तो इसमें 9 ही और ऐड कर देंगे, तो ये 118 हो जाएगा, ये 109 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं अगला टाइप, अगला टाइप और देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने सिखाया आपको जो 100 के अप्रोक्सीमेट जो भी नंबर है, 100 के समथिंग, उन नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि जो 50 के अप्रोक्सीमेट यानी 50 के समथिंग जो नंबर आते हैं, उनका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। वो जो ट्रिक मैंने दोस्तों आपको बताई थी 1 से लेके 100 तक, वो हम 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 100 वाली जो ट्रिक है ना, वो 100 के अप्रोक्सीमेट आप यूज करेंगे तो ही आपको आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसको ऊपर नीचे ले जाएंगे तो वो ट्रिक काम करेगी, लेकिन वहां पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप 100 के अप्रोक्सीमेट ही उसको यूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो 50 के अप्रोक्सीमेट होगा ना, उसको और देख लेते हैं। जैसे 50 के नजदीक संख्याओं के वर्ग, यानी जो भी नंबर 50 के अप्रोक्सीमेट होंगे उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो वही हम सीखने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो 50 के नजदीक कौन कौन सी संख्या होती है दोस्तों, जैसे 48 है, 45 है, 43 है, 38 है, ये सभी नंबर 50 का समथिंग है, 50 के आसपास है, तो मुझे 48 का स्क्वायर करना है, इधर मुझे 45 का स्क्वायर करना है, इधर 43 का स्क्वायर करना है, इधर 38 का स्क्वायर करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे आप 50 से नीचे 1 तक जा सकते हैं, 50 से ऊपर 100 तक जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेट करने में उतनी ही दिक्कत होगी जितना आप इस टॉपिक को, इस ट्रिक को आगे खींचोगे, जितना आप पीछे खींचोगे। तो मैं आपको बता दूं कि 31 से लेके और 70 के बीच के सभी नंबर्स पर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो चलिए अभी मैं देख लेता हूँ 48 का स्क्वायर मुझे कैसे निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक संख्या आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी, 25। क्या ध्यान में रखना होगा दोस्तों, 25 अपने दिमाग में हमेशा रखना होगा, ओके दोस्तों। तो चलिए 48 मुझे देखना है कि ये 50 से कितना कम है, 50 से दोस्तों कितना कम है ये, तो ये 50 से 2 कम है, और 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 4 होता है, तो मैंने सिंपली 4 को 0 4 लिख दिया,
से दो कम है तो मैं 50 में से दो कम करके नहीं लिखूंगा दोस्तों, मैंने नंबर बताया आपको 25, तो ये 50 से जितना कम है उसको मैं 25 में से माइनस कर दूंगा, तो दो कम है तो 25 में से दो माइनस कर दिया, आंसर हो गया 2304। हाँ दोस्तों ये 48 का स्क्वायर ही है। अगला नंबर देख लेते हैं, 45 का स्क्वायर निकालना है मुझे, मुझे देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है, तो 5 कम है, 5 का स्क्वायर मैं पीछे लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 25। अब क्योंकि ये 50 से 5 कम है तो मैं 25 में से यानी 25 में से 5 कम कर दूंगा, कितना बचेगा 20, 20 इसके आगे लिख दिया, ये इसका स्क्वायर है। 43 का स्क्वायर निकालना है मुझे, मुझे देखना है कि जो 43 है दोस्तों वो 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिख दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये 50 से 7 कम है तो 7 को 25 में से माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 18 बचेगा, इसके आगे लिख दिया, ये इसका स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 का मुझे केवल दो ही डिजिट लेने हैं 44, ये एक कहां रहेगा दोस्तों, मैंने अभी बताया था कैरी रहता है। अब ये जो 38 है वो 50 से 12 कम है दोस्तों, ये 12 हमें कहां से कम करना है 25 में से, मैंने अभी आपको बताया 25 में से कम करना है, तो 25 में से हम 12 कम करेंगे कितना बचेगा 13 बचेगा, अब 13 हो और ये एक कैरी कितना हो जाएगा 14 हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, 50 से कम वाले नंबर्स के स्क्वायर निकालना मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो नंबर 50 से ऊपर होते हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी जो नंबर 50 से बड़ी होती है और 50 के नजदीक हो, तो ले लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे 57 है, 57 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 67 का स्क्वायर निकालना है मुझे, मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है और मुझे 59 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर है दोस्तों, चलिए मैंने देखा 57 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है दोस्तों। अब ये जो 57 है वो 50 से 7 ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो 25 में ऐड कर देंगे, कम होता तो माइनस कर देते, जैसा कि हमने अभी 100 के साथ में किया था बिल्कुल, तो ये 7 ज्यादा है, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये 67 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है और 17 का वर्ग होता है 289, मुझे 289 नहीं लेना, केवल क्या लेना है 89 लेना है दोस्तों। अब ये दो कहां जाएगा आपको अच्छी तरह से मालूम है, कैरी हो जाएगा, अभी बताया था मैंने जस्ट। अब ये 67 जो है वो 50 से 70 मोर यानी कि 17 ज्यादा है, तो इसको हम 25 में ऐड कर देंगे, 25 और 17 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा दोस्तों, और दो कैरी तो 42 और दो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 54 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये जो 54 है वो 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 4 ज्यादा है, आप सिंपली कह सकते हो 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर मैंने पीछे लिख दिया 16। अब मुझे देखना है कि ये 54 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 को 25 में ऐड कर दूंगा मैं, यह हो जाएगा दोस्तों 59, 50 से 9 मोर देन यानी कि 59 जो है वो 50 से 9 ज्यादा है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब ये 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ दीजिएगा 34, 3481, सिंपल है दोस्तों, एनी प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं आप लोग। एक लास्ट टाइप और मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और सेशन खत्म। चलिए लास्ट टाइप है हमारा, उन संख्याओं के वर्ग निकालते हैं हम जिनका इकाई अंक 5 हो दोस्तों, इकाई अंक क्या हो 5 हो, हम उन संख्याओं के वर्ग निकालना सीखेंगे जिनका इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला डिजिट 5 हो। जैसे पहला ही नंबर ले लिया मैंने 15, 15 का मुझे स्क्वायर निकालना है, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है तो मैं पीछे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा 25 लिख दूंगा दोस्तों। अब ये जो एक, ये आगे जो भी डिजिट बचा है एक, इसका इससे अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक का अगला नंबर क्या आता है दोस्तों 2 आता है, 2 एकम 2 यहाँ पे लिख दिया। हाँ दोस्तों ये 15 का स्क्वायर है, 225 सबको याद होगा।
अगली नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने 25 ले लिया, 25 का वर्ग निकालना है मुझे, लास्ट वाला नंबर 5 है, 5 का वर्ग पीछे मैंने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया दोस्तों। अब ये जो 2 है, 2 से अगला नंबर क्या आता है दोस्तों, 3 आता है, तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6, ये 625, 25 का वर्ग होता है, सबको याद होगा, क्लियर है। आगे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने 75 ले लिया दोस्तों, 75 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में 5 है, तो मुझे डायरेक्टली पीछे क्या लिख देना है, 25 लिख देना है, वहां पर मुझे सोचना नहीं है, 25 लिख दिया। अब ये जो 7 है, 7 से अगला नंबर क्या आता है, 8, 8 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 7 = 56, तो 5625, क्लियर है दोस्तों। और कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे अगला नंबर मैंने ले लिया 125 का स्क्वायर करना है मुझे, तो पीछे 5 है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा दोस्तों, 25 लिख दूंगा। अब इस 12 का इससे अगली नंबर 13 के साथ में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 का 13 में गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा दोस्तों, 15625, 125 का स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हैं, तो क्लियर है दोस्तों। आज का सेशन में यही रोक देता हूं, क्लियर है दोस्तों। तो आज मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया, और इसके लिए जिसको ये सेशन पसंद आया हो, दिल से लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ज्यादा से शेयर करना दोस्तों। अगले ही सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसके रूट यानी कि वर्गमूल याद करना, जो मैथ का काफी हार्ड चैप्टर माना जाता है, जब आप मेरे से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे सरल चैप्टर यार वाकई में कोई नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।